हाँ तो गाइस सिंपली हम लोग कुछ अपना ऐसा पोज ले लेंगे कि बैकग्राउंड थोड़ा पीछे ग्रीन रहे, तो कुछ जो मैं PNG यूज किया नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो ये सब मैं PNG यहाँ पे ऐड फोटो में जाके ऐड कर लेता हूँ, तो इसको ऐड कर लिया। इसके बाद इसको ये जो मेरा पोज है इसके पीछे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लगाता हूँ। तो पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लगाना, तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, उसके बाद साइड में रख रहा हूँ, फिर एक एक का मैं यूज करके बताता हूँ। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार। तो चलो मैं इसको छोटा कर लिया, तो पहला जो है वो लोननेस है उसको मैं लगा लेता हूँ। ये कुछ इस बार इंस्टाग्राम पे ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा इसका ट्यूटोरियल क्यों ना बना दें। उसके बाद है स्ट्रीट्स, तो इसको भी इसके नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ऐसे करके हम लोग लगा देते हैं। तो ये सारा PNG मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना जाके। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं तीसरा जो PNG है हेयर ब्रिक ब्रेक का, उसके बाद इसको भी मैं लगा देता हूँ, और ये भी अब मेरा लग गया है। उसके बाद दो PNG और बचा है, उसको भी हम लगा लेते हैं। उसके बाद चलिए अगले ऑप्शन पे, तो ये नीचे मेरा पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद इसको लेते हैं हम लोग लगा, तो गाइस जिसको हम लोग लिए लगा। उसके बाद में अगले ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं, उसके बाद इसके नीचे एक और है, उसको भी हम लोग लेते हैं लगा। तो ऐसे आप लोग पांचों PNG को जो है अच्छे से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लगा ले रहा हूँ, मतलब पोज ऐसे लेना कि मतलब पीछे कुछ बैकग्राउंड ग्रीन रहे, क्योंकि मैं बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज करने को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंपल लाइटरूम से एडिटिंग बताऊँगा। तो ये मैं लगा लिया हूँ, उसके बाद अब ये देखो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके साइज इसका सही कर लेता हूँ, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, आप लोग देख ही रहे। उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ डन। उसके बाद डन कर लेने के बाद मैं इसको ड्रा वाले टूल पे ले जाता हूँ, ये रहा मेरा ड्रा टूल। इसके बाद यहाँ 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेव इमेज कर लेते हैं। अब ये मैंने सेव कर लिया, अब इसको हम चलते हैं लाइट रूम अप्लीकेशन में जो ऐड करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे ऐड करने के लिए हमको लाइट रूम अप्लीकेशन अपना ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पे कुछ अभी कुछ इंटरफेस दिखाई देगा इस तरह का, ये नीचे ऐड टूल का, इस पर हम लोग एक बार क्लिक करोगे तो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद जो आपका पिक्सार्ट से एडिट हुआ वो पोज ये रहा। उसके बाद हम इसको सिंपली कर लेते हैं ऐड, उसके बाद यहाँ पे ऑल फोटोज में जाके ये हो जाएगा ऐड। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे कर लेते हैं ओपन, ठीक है। अभी मेरे लाइट रूम में हो गया ओपन, अब हम इसको आगे का काम करते हैं। तो इसका जो ये आइकॉन, इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वाले जाते हैं, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद डन कर लेते हैं, इसको हल्का सा करते हैं, उसके बाद एक्सपोजर को इसको कम कर लेते हैं, ठीक है, जिससे फोटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आएगा फोटो पे। उसके बाद जो इसका कॉन्ट्रेस्ट है इसको थोड़ा सा हम लोग माइनस रखते हैं। उसके बाद हाइलाइट्स को हमेशा हम लोग कम रखते हैं, शेडो को भी कम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो व्हाइट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे मतलब थोड़ा फोटो बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। उसके बाद ब्लैक्स कर लेते हैं कम। नेक्स्ट ऑप्शन टेम्पो वाले पे जाते हैं, एस शॉट को कस्टम कर देते हैं, और उसके जो वाइब्रेशन मोड उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे जाते हैं, सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, उसके ल्यूमिनस को हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए इसकी क्लियरिटी बढ़ती है, जिससे फोटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। उसके बाद येलो ऑप्शन पर जाके पूरा हम लोग माइनस इसको कर देते हैं व्यू को, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिचुएशन को भी घटा मतलब एक बार देख लेते हैं। उसके बाद ग्रीन वाले पे जाके भी कम कर लेते हैं, ये तो हम सब माइनस कर लेते हैं, ल्यूमिनस को छोड़ के मतलब येलो और ग्रीन में पूरा हम लोग माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपके मतलब पिक पे आएगा, अगर मान लो बैकग्राउंड कुछ दूसरा है तो आप लोग और भी ज़्यादा अच्छी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने जींस का कलर चेंज करूँगा, तो यहाँ पे अदर कलर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बैकग्राउंड दूसरे चेंज कलर का। तो हम इसके जो है सेचुरेशन को कम कर लेते हैं, व्यू को थोड़ा कम करते हैं, ल्यूमिनस को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये हो गया ऐसे डर, उसके बाद नीचे जाते हैं, उसके बाद क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और डेज को नहीं छूते, उसके बाद बिजनेस को कर लेते हैं कम, उसके बाद मिड पॉइंट को नहीं छू, फीदर को बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। अगले ऑप्शन पे जो है शार्पिंग को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद नॉइज रिडक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं, उसके बाद कलर नॉइज रिडक्शन को इंक्रीज करके स्मूथनेस को हम लोग फुल कर देते हैं, जिससे मेरा जो फेस है स्किन है बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगा। अब आप लोग देख रहे हो फोटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, बिफोर में फोटो कैसा था, आफ्टर में फोटो कैसा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो अभी ये फोटो में कर ले रहा हूँ सेव हाईएस्ट क्वालिटी में। तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर तो चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।